लाहौर दीवानी मुझे लायक समझा कि मैं मुझे तंगीर सम्मान दिया जाए। कई सालों से मैं आता रहा हूँ, जब पहला तंगीर सम्मान दिया गया था अलकाजी साहब जो मेरे टीचर थे तो उनके शान में मैं यहाँ आया था। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ सालों बाद मुझे ही ये अवार्ड मिलने वाला है। बहुत खुशी है और मुझे बहुत फख्र है इस बात में कि मुझे इस योग्य समझा गया। थिएटर आर्ट के बारे में मतलब आप ये इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे मतलब मैं एक जुमले में आपको ये जवाब, कई सारे सवाल आप पूछ रहे हैं सर इसमें। हाँ, तो वो सवाल मैंने उठाए इसलिए कि आप लोग उन सवालों पर सोचें और अगर आपको कुछ मायने मिलते हैं उनमें तो मुझे भी उसका जवाब दे दें। लेकिन थिएटर बिल्कुल तंदुरुस्त है, थिएटर की जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं 50 साल से सुनता आया हूँ कि थिएटर मर रहा है, थिएटर मर रहा है, उसे नए सांस की जरूरत है वगैरह। मुझे ऐसा नहीं लगता, थिएटर की सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और जब तक कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें थिएटर से बिला वजह मोहब्बत है, थिएटर जिंदा ही रहेगा। जब तक लोगों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत महसूस होती रहेगी, थिएटर जिंदा रहेगा। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो मराठी में छपी है। मैंने उनसे बहुत कहा कि उसका अनुवाद कराएं, शायद मेरे ख्याल से उसका अनुवाद हो रहा है हिंदी में। मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा लेकिन सिर्फ उस टाइटल से ही मुझे बहुत कुछ ज्ञान हासिल हुआ कि एक एक्टर का असली काम क्या होता है। ज्यादातर एक्टरों की आप बीती जो है उसके बड़े प्रटेंशियस किस्म के नाम होते हैं कि माई आर्ट और मेरा सर्च और मेरा ये और मेरा वो। लमांड जैसा सीधा साधा सरल और सच्चा शीर्षक मुझे किसी भी एक्टिंग किताब के बारे में नहीं मिला और उसने मेरी समझ को बढ़ावा दिया है उस बात से। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस किताब को।